इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हनी ट्रैप कांड में मुख्य अभियुक्त जीतू सोनी को इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुजरात में धर दबोचा है। सूत्रों के मुताबिक जीतू की एक कार भी जब्त की गई है। माफिया और अपराधियों की धरपकड़ में इंदौर क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया और टीम की यह छठी सफलता है। 1,60,000 का इनामी अपराधी था जीतू सोनी। इंदौर क्राइम ब्रांच के जाबाज अफसर राजेश दंडोतिया ने सभी बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मानव तस्करी सहित 50 से अधिक मामलों में फरार जीतू सोनी को पुलिस ने गुजरात में पकड़ा है। बीते दिनों उसके भाई को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों में से कुछ टीमें जीतू के लिए वहीं रुक गई थी। आईजी विवेक शर्मा ने जीतू सोनी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उसे गुजरात के अमरोली के पास एक फार्म हाउस में गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1,60,000 रुपये का इनाम था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे इंदौर लेकर आई। जीतू सोनी को इंदौर लाने के बाद तुरंत मेडिकल के लिए पुलिस लेकर गई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। अनलॉक 1.0 के साथ साथ अपराधी सक्रिय ना हो, इसके लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपराधियों का लॉकअप में जाना शुरू हो। इसके तहत पूरे जोन में 4 बार में 125 हथियार अवैध जब्त किए गए, 1,000 से ऊपर स्थायी वारंटी पकड़े गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फरार भू माफिया, इनको पकड़ने के लिए विशेष दायित्व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम को दिया गया था, जिनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में हैप्पी धवन, चंपू अजमेरा, इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। इसके पश्चात कुछ ही दिन पहले गुजरात में रेड के दौरान महेंद्र सोनी को, जिनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था, उसको भी पुलिस पकड़ने में सफल रही, जिसके बाद सारा ध्यान 45 से ऊपर मामलों में फरार 1.5 लाख से ऊपर के इनामी जीतू और जीतेश इसे सोनी के गिरफ्तारी के लिए केंद्रित किया गया। अभी कुछ दिन पहले जो रेड में महेंद्र सोनी पकड़े गए थे, उसी समय जीतू सोनी वहां से भागने में सफल हुआ, परंतु पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपना ध्यान पहले की तरह केंद्रित रखा और हमारे द्वारा उन्हें पूरी चीज़ को रिव्यू किया गया और टीमें अलग अलग जगह पे भेजी गई। आज सुबह हम लोग जीतू सोनी को पकड़ने में सफल हुए हैं। इसमें विभिन्न धाराओं के मुकदमे हैं और उसमें साक्ष्य संकलन के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। जीतू सोनी के बेटे और उनके भतीजे भी फरार बताए जा रहे थे, वो भी अरेस्ट कर लिए गए? नहीं नहीं, अभी इसमें जो है लकी, विकी, जिग्नेश, ये अभी फरार हैं। हुकुमचंद सोनी भी फरार हैं। अभी इसमें आरोपी फरार हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और भी मुलजिम बन सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर यही चीज कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस में है। इन्वेस्टिगेशन में जब आदमी अरेस्ट होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उसके बेसिस पे लोग आरोपी बनते हैं। जहाँ पर लोग फरारी के दौरान रहे हों वो भी कई बार पूछताछ में ऐसा आता है, तो उनको खिलाफ भी हमारे को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अभी जैसे जैसे फैक्ट्स पूछताछ में सामने आएंगे उस पे एविडेंस कलेक्शन होगा और उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जीतू सोनी का एक और थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें सर का एक और हार्ड डिस्क बरामद हुई है पुलिस को? देखिए, अभी कोई बरामदगी के बारे में हम डिटेल्स कोई शेयर नहीं करेंगे। बरामदगी के लिए हम सर्चेज करेंगे और सर्चेज के पश्चात जो जो चीजें आपसे शेयर करने लायक होगी हम शेयर करेंगे। सर, जो सर्चिंग की थी पुलिस ने, उसमें किसी भी संस्थान के व्यक्ति को अंदर लेके ना देखा गया था, दिखाया गया था, जो सर्चिंग की कैसे मान ली हुई थी, सर सही था? देखिए, अब ये चीजें कोर्ट में डिस्कस होंगी। सर, पुलिस अपनी केस फाइल बनाएगी और पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो सुसंस्कृत कार्रवाई कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। वहाँ पर अगर कोई डिफेंस को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसको चैलेंज कर सर। मानव तस्करी और अनैतिक कार्यों का जो आपने मुद्दा बताया, मानव पिछले 30 साल से संचालित हो रहा था, अनिल लखमाना जी, संजीव समी जी, संतोष सिंह जी, ऐसे कई दबंग अफसर इंदौर में अपनी छाप छोड़ के गए, उनके कार्यकाल में भी वो चलता रहा, तो ये माना जाए कि उस टाइम उसे नजरअंदाज किया गया? और देखिए, अभी इस कार्यकाल में वहाँ पे अनैतिक गतिविधियां नजर आई सामने। देखिए,
देखिए कोई चीज कभी पकड़ी जाती है इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज रही। अगर कोई चीज आपने नहीं छापी, आज छापी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले उसको नहीं छापना चाहते थे। जब जानकारी में चीज आती है उसके बाद कार्रवाई की जाती है। विवेक जी एक सवाल मेरा, सर फरारी कहां का है? सर फरारी कहां का है और कब के केसेस बता दिया? देखिए ये केसेस मुख्यतः 2019 से शुरू होके जनवरी 2020 के बीच के हैं और ये 45 केसेस हैं जो हमारे पास अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फरारी अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है, फरारी में ये गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर अलग अलग गुजरात में 2 जिले ऐसे, महाराष्ट्र में 3 जिले, यहाँ पर इनका रहना इसने बताया है। तो वो भी चीज़ हम वेरीफाई करेंगे, ये बहुत ही प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये चीज पता चले। देखिए पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अब आगे आने वाली जो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी उसके उसमें अकॉर्डिंगली हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर ये कहां से पकड़े गए एग्जैक्टली? मतलब हम अमरेली में धारकुंडी गांव है, वहां पर से ये पकड़े गए हैं। आज सुबह इसके पिताजी की आज पुण्यतिथि थी, हमारे पास इसकी रिलायबल इंटेल थी और हम इस पर काफी समय से कार्य कर रहे थे। आपको पता ही है 3-4 दिन पहले हमने रेड पहले भी करी थी पर उस समय हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।